NGO Aroha and HCL Foundation present video tutorial in school uniform stitching. इस वीडियो में हम डॉक्टर्स एप्रन स्टिच करना सीखेंगे। इस प्रकार का एप्रन दुनिया भर के कई इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल्स द्वारा यूनिफॉर्म के तौर पर पहना जाता है। एप्रन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट में दो फ्रंट साइड्स, दोनों हाथों के लिए स्लीव्स, फ्रंट कॉलर, बटन्स और साइड पॉकेट्स होते हैं। बैक पार्ट में दो बैक पार्ट और टॉप पे कॉलर होते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस गारमेंट देखते हैं जैसा हम अभी स्टिच करने वाले हैं। अब टेम्पलेट बनाने के लिए एप्रन के हर हिस्सों की मेजरमेंट लेंगे और एक ब्राउन पेपर पर मार्क करके उसे शेप के हिसाब से कट कर लेंगे। बाकी सभी पार्ट्स के लिए भी ठीक इसी तरह पेपर पैटर्न्स कट करेंगे। अब हम कपड़े की कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम फ्रंट टेम्पलेट को कपड़े पे प्लेस करके आउटलाइन बनाएंगे। मार्किंग के वक्त मूवमेंट अवॉइड करने के लिए टेम्पलेट को पिन से प्रिक कर दे और फिर स्टिचिंग मार्जिन्स की मार्किंग करेंगे। अब आउटर आउटलाइन के हिसाब से कपड़े को कट करेंगे और स्लिट कट्स लगाएंगे। अब इसी तरह बाकी पार्ट्स की भी मार्किंग करके कट करेंगे और स्लिट कट्स लगाएंगे जैसा चार्ट में दिखाया गया है। कटिंग के बाद कटआउट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, दो आइडेंटिकल फ्रंट कटआउट्स, दो आइडेंटिकल बैक कटआउट्स, दो स्लीव्स, दो फ्रंट कॉलर्स, दो पॉकेट्स, कॉलर, कॉलर के लिए कैनवस स्ट्रिप और बटन्स। अब हम स्लीव्स को लंबाई से दो बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड को स्टिच करें। स्लीव कटआउट को फोल्ड करें और ओपन एंड्स को स्टिच करें। स्लीव रेडी है। सेम प्रोसेस दूसरे स्लीव के लिए भी रिपीट करें। लंबाई में फोल्ड करें और स्टिच करें। अब पॉकेट कटआउट लें। पॉकेट के ऊपर साइड को दो बार फोल्ड करें और फोल्ड के ओपन एंड्स के अलोंग स्टिच करें। दूसरे पॉकेट के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करें। अब बैक के स्ट्रेट एंड्स को मैच करें और नीचे से कुछ इंच छोड़कर उसे स्टिच करें। बैक को अनफोल्ड करें और नीचे से लॉक स्टिच करें। अब फिनिशिंग स्टिच दें। बैक के लोअर ओपन एंड्स को फोल्ड करें और स्टिच करें। अब एक फ्रंट कॉलर कटआउट को एक फ्रंट कटआउट पे प्लेस करें, उसके एंड्स को मैच करें और कॉलर के टॉप पे कुछ इंच छोड़कर एंड्स को स्टिच करें। कपड़े को उल्टा करें, कॉलर के ओपन एंड को फोल्ड करें और इसे फिनिशिंग स्टिच दें।
अब कपड़े को अनफोल्ड करें और इसे फिनिशिंग स्टिच दें। टॉप की ओपन एंड्स को साथ में स्टिच करें। अब कपड़े को स्लीव के स्लिट कट्स के हिसाब से फोल्ड करें। और कुछ इंच नीचे की ओर स्टिच करें फिटिंग स्टिच के लिए। अब फ्रंट में पॉकेट प्लेस करें, अंदर की तरफ फोल्ड करें और उसकी साइड्स और बॉटम को स्टिच करें। दूसरे फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करें। फ्रंट कॉलर को स्टिच करें। ओपनिंग एंड्स को फिनिशिंग स्टिच दें। अनफोल्ड करें और फिनिशिंग स्टिच दें। स्लीव से फोल्ड करें और इसे फिटिंग स्टिच दें। अंदर की तरफ फोल्ड करें और पॉकेट स्टिच करें। अब फ्रंट को बैक के ऊपर उल्टा प्लेस करें, मैच करें और शोल्डर स्टिच करें। इसी तरह दूसरा शोल्डर भी स्टिच करें। अब फ्रंट और बैक के साइड्स को मैच करें और साथ में स्टिच करें। दूसरी साइड के लिए भी सेम प्रोसेस दोहराएं। अब कपड़े को उल्टा करें। स्लीव के सेंटर को एप्रन के स्लीव ओपनिंग के सेंटर से मैच करें और सर्कल के थ्रू स्टिच करें। इसी तरह दूसरे स्लीव को भी दूसरे स्लीव ओपनिंग के साथ स्टिच करें। अब एप्रन के बॉटम को अंदर की तरफ दो बार फोल्ड करें और फोल्ड को स्टिच करें। अब कैनवस कटआउट को कॉलर कटआउट पे प्लेस करें और आयरन करके फिक्स करें, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। कॉलर को कैनवस के मुताबिक फोल्ड करें और एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट करें। कॉलर के कर्व्ड एंड के ऊपर के कपड़े को फोल्ड करें और स्टिच करें।
कैनवास को पीछे की ओर फोल्ड करें और दोनों विड्थ स्टिच करें। एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट करें और पूरे कॉलर को अनफोल्ड करें। कैनवस को फोल्ड करें और स्लिट कट लगाकर सेंटर मार्क करें। अब कॉलर के सेंटर को एप्रन के सेंटर से मैच करें और साथ में स्टिच करें। अब ओपन कॉलर के टॉप एंड्स को कॉलर में स्टफ करें और कॉलर के सभी साइड्स को स्टिच करें। अब एप्रन के राइट फ्रंट पे तीन बटन्स एक के नीचे एक स्टिच करें। और बटन्स के हिसाब से तीन होल्स एप्रन के लेफ्ट फ्रंट पे बनाएं। एप्रन अब रेडी है। एप्रन अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी प्रोफेशनल्स द्वारा पहना जाता है और अब आप खुद भी ये एप्रन अपने लिए बना सकते हैं इस ट्यूटोरियल वीडियो को देखकर। सभी साइज के मेजरमेंट्स के लिए आप इस चार्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन मीडियम्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे YouTube चैनल NGO आरोह को सब्सक्राइब करें।